लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में बस 10 दिन बचे हैं। नतीजों के बाद केंद्र में चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ महीने में कई खाने की चीजों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। पश्चिमी और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सूखे और गर्मी जल्दी आने की वजह से खाने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौर में देश को महंगाई से काफी राहत मिली थी। खाद महंगाई और खुदरा महंगाई दोनों काफी नीचे रहे, लेकिन अब केंद्र में जो भी सरकार आएगी उसके लिए बढ़ती महंगाई फिर से एक चुनौती पैदा कर सकती है। यूपीए सरकार के दौर में महंगाई के काफी ऊंचे आंकड़ों की वजह से जनता परेशान हो गई थी और इसकी वजह से सरकार के खिलाफ माहौल बन गया था, लेकिन इस बार के आम चुनावों में महंगाई कोई मसला ही नहीं है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अप्रैल महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI आधारित महंगाई दर बढ़कर 2.92% हो गई। मार्च में यह आंकड़ा 2.86% और अप्रैल 2018 में 4.58% था। लगातार 9 महीने से महंगाई रिजर्व बैंक के लिए ठीक स्तर पर बनी हुई थी। रिजर्व बैंक फरवरी और अप्रैल महीने में 2 बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है। सब्जियों, अनाज जैसी खाने की चीजों की महंगाई बढ़ने की वजह से महंगाई का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगले महीनों में महंगाई के और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। असल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार चुनावों को देखते हुए देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही, यानी चुनावों के बाद इनकी कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है। ईंधन की कीमतों के बढ़ने से खाने की चीजों की कीमतें और बढ़ जाएंगी। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि महंगाई का बढ़ना किसानों के लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन ये ग्राहकों के लिए बुरा होगा और अगली सरकार के लिए चुनौती होगी।